नमस्कार सुप्रभात आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज आप खबर विस्तार से आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए जनपद लखीमपुर खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत 17 नवंबर 2022 की की गई कार्रवाई के बारे में आज ये डालते हैं एक नजर आपको बताते चलें पुलिस अधीक्षक जनपद खीरी संजीव सुमन के निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात के मार्गदर्शन में पुलिस यातायात सड़क सुरक्षा यातायात माह मनाया जा रहा है आपको बताते चले यातायात व्यवस्था के अंतर्गत बिना फिटनेस तीन सवारी बिना हेलमेट बिना बीमा बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर शहर स्थित सैदरी बाईपास मदनियागंज चौराहा पंडित दीनदयाल चौराहा यातायात प्रभारी निर्मलजीत सिंह यादव आरक्षी यातायात बीवन राज पंकज वर्मा सत्य प्रकाश द्वारा सघन चेक इन की गई यातायात नियमों के बारे में पंपलेट देकर जानकारी व जागरूक किया गया यातायात नियमों के पालन करने हेतु बनाया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों के पालन अनिवार्य रूप से करें वाहन चलाते समय हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग करें भीड़ भाड़ वाले स्थान पर वाहन को निर्धारित गति से चलाएं, नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। दुर्घटना से बचने के लिए मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन ना चलाएं, स्टंट बाइकिंग से बचें साथ में ट्रैफिक वॉलेंटियर आदर्श वर्मा सुमित्रा देवी इंटर कॉलेज बिशुनपुर सरस्वती विद्या मंदिर गोपालापुर लखीमपुर खीरी में करीब 400 छात्र छात्राओं को पंपलेट देकर यातायात नियमों की जानकारी देते हुए पालन कराने के लिए अपील की गई यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं वाहन के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत एक वाहनों का चालान दो वाहन सीज किए गए ब्यूरो रिपोर्ट अमरेंद्र सिंह लखीमपुर खीरी इंडिया ट्वेंटी फोर न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जय भी नमो